पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली, अब 14 फरवरी की जगह 30 फरवरी को होगी वोटिंग। 14 फरवरी को रविदास जयंती है। सभी राजनीतिक दलों ने आयोग से मतदान तारीख बदलने की अपील की थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के लिए खोला वादों का पिटारा, कहा किसानों के भुगतान के लिए अलग फंड बनाएंगे, मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश यादव के अन संकल्प पर बीजेपी का पलटवार, सीएम योगी ने ट्वीट कर निशाना साधा, कहा दंगाइयों का हाथ थामने वाले अन्नदाता के हमदर्द होने का नाटक कर रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत से मिले बीजेपी सांसद संजीव बालियान। नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन का ऐलान करने के बाद यू टर्न लिया है। किसान भवन से अलग हम कहीं नहीं जा सकते, ना किसी की सभा में ना कहीं में। दो बात कहनी भी पड़े, आदमी समर्थन मान लो या कुछ मान लो, पर ऐसा कोई नहीं, हम तो आशीर्वाद ही है, चलो ठीक है यहाँ से, तो इस मानदाजा इस तरह का लगाना गलत है। कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। यूपी की कैराना सीट से एसपी उम्मीदवार है नाहिद। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेंट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा अपराधियों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखाया। अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी का उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी। आज और कल यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन, सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हुई, जल्द हो सकता है ऐलान। पंजाब में कांग्रेस ने सीएम चन्नी को बताया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, प्रचार वीडियो जारी किया। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो। पंजाब में आम आदमी पार्टी कल करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। कल दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी की सेंध मारी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी में शामिल। सरिता आर्य नैनीताल से चुनाव लड़ने वाली थी। बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा पर सरकार में खटपट बढ़ाने का आरोप लगाया। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में बढ़ा है कोरोना। केजरीवाल का जवाब, आरोप लगाने वाले कूड़े में पैर नहीं रखूंगा। दिल्ली में अब लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा इसके अच्छे संकेत हैं। दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। बच्चों को कोरोना से बचाने की बड़ी खबर, मार्च से 12 से 14 साल तक के बच्चों को लग सकती है वैक्सीन। बच्चों को दी जा सकती है कोवैक्सीन की पहली डोज। देश में कोरोना की रफ्तार में आ रही है कमी। कल के मुकाबले कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 2,58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, हालांकि 385 लोगों की मौत हुई है। टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा अगर भविष्य में टीम का कप्तान बनने का मौका मिला तो ये मेरे लिए सम्मान होगा। वनडे टीम में वाइस कैप्टन है बुमराह। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रशासन अलर्ट,
ओमिक्रॉन के मरीज के संपर्क में आए 13,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। चीन में 24 घंटे में कोरोना के 80 मामले सामने आए हैं। फ्रेंच ओपन में भी टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के खेलने पर संकट। फ्रांस के खेल मंत्रालय ने कहा वैक्सीन नहीं तो नहीं मिलेगी एंट्री। ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी जोकोविच को लौटाया गया है। प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन। 83 साल के थे। पीएम मोदी समेत सभी प्रशंसकों ने श्रद्धांजलि दी। ABP News आपको रखे आगे।